पुतले के सामने हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार किया करें। काका हाथ हिलाकर अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया। ये बंगला आनंद के सपनों का महल था। इसी घर से राजेश खन्ना बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इसी आशीर्वाद में काका ने दुनिया को अलविदा कहा था। इसे वो कभी बेचना नहीं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी ख्वाहिश थी कि उनके बाद आशीर्वाद को म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाए। स्टार राजेश खन्ना के उसी आशीर्वाद का सौदा हो चुका है। 90 करोड़ ने बिका काका के सपनों का महल। तो देश के पहले सुपरस्टार की सुनहरी यादों को जिसने संजोकर हमेशा जिंदा रखा, हर ईंट दर दीवार पर उस दौर की एक कहानी सिमटी है जिसने राजेश खन्ना को करोड़ों चाहने वालों के दिलों तक पहुंचाया। आज उन यादों का सौदा हो गया है। काका की आखिरी निशानी आशीर्वाद बिक गया, लेकिन ना तो खरीदार कुछ बोल रहा है और ना ही उसे बेचने वाले। अगर मलाल है तो काका की खास दोस्त को। कार्टर रोड पर काका का बंगला आशीर्वाद। इस बंगले में काका की यादें हैं। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार की जिंदगी इसी घर में बीती। इस बंगले के गेट पर आर लिखा है, आर यानी राजेश खन्ना। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वो नाम जिसने बॉलीवुड को स्टारडम का मतलब सिखाया। काका की जिंदगी की हसीन यादों का गवाह है बंगला आशीर्वाद। काका चले गए, लेकिन रास्ते से गुजरते हुए लोग जब भी इस बंगले को देखते हैं तो काका का वही मुस्कुराता चेहरा उनके सामने आ जाता है। लेकिन अब सुपरस्टार का बंगला आशीर्वाद बिक गया है। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार स्वर्गीय राजेश खन्ना का मुंबई के बैंड्रा काटो रोड पर स्थित इस आशियाने का सौदा हो चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक इस आशियाने को मुंबई के शशि शेट्टी नामक उद्योगपति ने खरीद लिया है। इस आशियाने को स्वर्गीय राजेश खन्ना ने अभिनेता राजेंद्र कुमार से 3.5 लाख रुपए में खरीदा था, जिसके बाद से ही यह आशियाना मुंबई शहर का नगीना माने जाने लगा, जहां हजारों की संख्या में रोजाना लोग काका की एक झलक पाने के लिए यहां पहुंचते थे। काका के करोड़ों फैंस की तरह ही उनकी करीबी दोस्त अनीता आडवाणी को भी ये जानकर बड़ी हैरत हुई, क्योंकि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि उनका बंगला बिके। उनकी आखिरी इच्छा थी बंगले को म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाए। मुझे पब्लिक नोटिस से पता लगा और बहुत सदमा लगा मुझे कि लोग यहाँ तक आ गए कि उनका नामो निशान भी मिटा देना चाहते हैं। बहुत दुख की बात है। खबर है कि आशीर्वाद मुंबई के ही एक उद्योगपति को बेचा जा चुका है। समंदर के सामने मौजूद इस खूबसूरत बंगले के नए मालिक ऑल कार्गो लॉजिस्टिक कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन शशि किरण शेट्टी हैं, जिन्होंने 90 करोड़ में आनंद का आशीर्वाद लिया है। हालांकि शेट्टी से संपर्क करने पर उन्होंने इस बारे में कुछ भी कमेंट करने से इनकार कर दिया है। आपको कब पता चला कि इस तरह के सौदे हो? कुछ दिन पहले, जिस दिन नोटिस आया था 2-4 दिन पहले, तब मैंने पढ़ा था और मैंने इमीडिएटली मूव करने की ठान ली है। बिल्कुल। बंगला बिकने की खबर मिलने पर अनीता आडवाणी गुस्से में है। अंतिम कुछ सालों में काका के करीब रहने वाली अनीता अब कोर्ट जाने का मन बना चुकी है। उनका कहना है कि जब लिटिगेशन की प्रक्रिया चल रही है तो फिर इसे कैसे बेचा जा सकता है। जो मैं लॉ के हिसाब से चलूंगी कि एक तो ये फॉर्ज्ड विल है और ऑलरेडी लिटिगेशन चल रहा है, सबको पता है, ये भी नहीं कि छुपी हुई बात है, पूरे पेपरों में दुनिया को पता है, फिर कैसे कोई ख़रीद रहा है और कैसे कोई बेच रहा है इज़ अमेजिंग। इसका मतलब या तो आपको जुडिशरी के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। फिर देखेंगे हम क्या कोर्ट का फैसला होता है। बंगला बिक तो गया, लेकिन काका के वारिसों और खरीदार के बीच खड़ी है उनकी दोस्त अनीता आडवाणी। अब देखना होगा कि आशीर्वाद के अंतिम अध्याय में अब और क्या होना बाकी है। इमरान शेख, इंडिया टीवी, मुंबई। काका के आखिरी दिनों में भरपूर साथ निभाने वाली अनीता आडवाणी काका से साथ बिताए दिनों को याद करती है। आंखों में भारीपन है, लेकिन जुबां पर गुस्सा है, क्योंकि काका का आशीर्वाद किसी और को मिल गया।
पूरी मुंबई सड़क पर थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार की अंतिम यात्रा थी। 18 जुलाई 2012 को आनंद ने आखिरी सांसें ली थी। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। किडनी और लिवर की लंबी बीमारी के बाद काका ने अपने बंगले आशीर्वाद में दम तोड़ा था। काका की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि राजेश खन्ना के करोड़ों के बंगले आशीर्वाद पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई थी। काका की दोस्त अनीता आडवाणी मामले को कोर्ट तक ले गई। कोर्ट में मामला चल ही रहा था कि अब खबर आई है कि बंगला बिक गया है। अनीता आडवाणी को यकीन नहीं हो पा रहा है। उनके मुताबिक किसी अनमोल चीज की कीमत लगाना बेहद शर्म की बात है। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि जो कीमत लगी है उससे कहीं ज्यादा पैसे का ऑफर तो खुद काका के पास आया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसकी अनमोल चीज है, उसकी कोई भी कीमत लगाना शर्म की बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इससे पहले आपके पास में कोई खरीदार आया था? जी हाँ, काका जी जब थे यहाँ पे तो उनको 150 करोड़ की ऑफर आई थी किसी की तरफ से और काका जी हंस रहे थे तो कहने लगे कितने लाख होते हैं अनीता, ज़रा हिसाब तो बताना। तो हम लोग कर रहे थे इतने लाख होते हैं, इतने लाख होते हैं। तो मैंने कहा 1 करोड़ में 100, ऐसे हम लोग। तो उन्होंने कहा ये 150 की बात करता है, अगर ये मुझे 500 भी दे तो मैं नहीं बेचूंगा। उनका स्टाइल था, उन्होंने कहा ये क्या बेचने वाली चीज़ है। काका के चले जाने के कुछ दिनों बाद खबर आई थी कि अनीता आडवाणी जायदाद में हिस्से की मांग कर रही हैं। लेकिन अनीता का कहना है कि ये उनका हक है क्योंकि काका के आखिरी दिनों में उनका साथ सिर्फ उन्होंने ही दिया था। काका जी बहुत बीमार हो गए थे तब थोड़ी बात हुई थी, तो जब थोड़ा सा ये लोग ऐसा बिहेव करने लगे तो मैंने बोला, तब टिम्पल ने कहा नहीं नहीं, हम तो तुम्हारा राइट नहीं लेंगे, हम तुम्हारा कोई भी हक नहीं लेंगे, तुम्हारा प्यार भी नहीं, तुम्हारा हक सब तुम्हारा, यू डिज़र्व एवरीथिंग, यू विल यू नो वील ऑल बी टुगेदर। उसके बाद दे जस्ट चेंज कलर्स। बात जब कोर्ट तक पहुंची तो इस दौरान राजेश खन्ना के परिवार और अनीता में सेटलमेंट की भी खबर आई थी लेकिन अनीता नहीं मानी और मामला लटक गया क्योंकि अनीता काका की आखिरी इच्छा पूरी करने की जिद पर अड़ी रही। कि वो सेटलमेंट के लिए आए मेरे पास, उनका लॉयर आया था सेटलमेंट के लिए, 2 बार मेरे लॉयर से मीटिंग हुई, फिर मेरे से मीटिंग रखी, उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे टर्म्स बताइए मैं बात करूंगी। आशीर्वाद के सौदे पर ना तो खरीदने वाला कुछ बोल रहा है और ना ही डिंपल की तरफ से कोई बयान आया है, यानी अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। आखिर किससे मिलेगा काका का आशीर्वाद? इमरान शेख, इंडिया टीवी, मुंबई। तो जितना रुतबा राजेश खन्ना का था उतना ही था उनके बंगले आशीर्वाद का भी, क्योंकि जब से काका आशीर्वाद में रहने आए थे तभी से स्टारडम को पंख लग गए थे। एक के बाद एक 15 सुपरहिट फिल्में, यानी कामयाबी से लेकर काका के उस दौर का भी साक्षी रहा है आशीर्वाद, जब काका के पास उसकी देखरेख के पैसे भी नहीं बचे थे। ये वही घर है जहां हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना अपने चाहने वालों से मिला करते थे। काका ने इस बंगले में आखिरी सांस ली थी। जब काका हमारे बीच थे तब उनके आशियाने का नाम था आशीर्वाद, लेकिन उनके चले जाने के बाद इसका नाम वरदान आशीर्वाद कर दिया गया। आशीर्वाद बॉलीवुड के आनंद की आखिरी निशानी है और राजेश खन्ना के करोड़ों चाहने वालों के लिए एक मंदिर का नाम है आशीर्वाद। 603 स्क्वायर मीटर का यह बंगला पहले मशहूर एक्टर राजेंद्र कुमार के पास था, जिसे उन्होंने पुराने जमाने के मशहूर अभिनेता भारत भूषण से खरीदा था। राजेंद्र ने इस बंगले का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा था, डिंपल, जो राजेश खन्ना के खरीदने के बाद बना आशीर्वाद। राजेंद्र कुमार ने जब इस बंगले को बेचने का फैसला किया तो इसकी खबर राजेश खन्ना को मिली, लेकिन उस समय काका के पास पूरे पैसे नहीं थे, लेकिन किसी भी हाल में वो बंगला खरीदना था। इसीलिए काका ने पैसे जुटाने के मकसद से एक साथ कई फिल्में साइन की और एक दिन ऐसा भी आया जब राजेश खन्ना ने इस बंगले को राजेंद्र कुमार से 3.5 लाख रुपए में खरीद लिया। पहले वो राजेंद्र कुमार जी का घर होता था, उन्होंने
उनसे खरीदा हुआ था। तो एज अ लोकेशन और एज अ मकान, और पहले राजेंद्र कुमार जी का मकान, और मैं राजेंद्र कुमार जी का जो शुरू में बम्बई आए थे कहाँ रहते थे वो भी मुझे पता था। मेरे हिसाब से तो ये बहुत लकी मकान है, जो भी रहेगा उसमें हैप्पी रहेगा और खुश रहेगा। राजेश खन्ना की करीबी दोस्त अनीता आडवाणी के मुताबिक आशीर्वाद से काका को बहुत प्यार था। उन्होंने अपने आशियाने को बहुत ही मेहनत और मशक्कत से सजाया था। एक एक चीज हमने महीनों ढूंढ ढूंढ के ली थी, एक एक पत्थर, एक एक ईंट, एक एक चीज़ देख देख के बनवाई थी। उसमें हमारा दिन रात का खून पसीना लगा हुआ है। आशीर्वाद में काका ने अपनी जिंदगी और करियर के तमाम उतार चढ़ाव देखे। काका से सुपरस्टार का ओहदा छिना और उनकी माली हालत बिगड़ी तो आशीर्वाद को गिरवी रखने की नौबत आ गई। कहा जाता है कि राजेश खन्ना इस कदर पाई पाई के मोहताज हुए कि अपने बंगले की मरम्मत भी नहीं करवा पा रहे थे। ऐसी मुश्किल वक्त में काका का साथ देने आए उनके दामाद अक्षय कुमार। अक्षय ने काका की आर्थिक मदद की और आशीर्वाद को गिरवी होने से बचाया, साथ ही आशीर्वाद को एक बार फिर से चमका भी दिया। काका को अपने आशियाने से इतना प्यार था कि वो इसे कभी बेचना नहीं चाहते थे। आशीर्वाद में राजेश खन्ना ने आखिरी सांस ली। इसी बंगले में वो आखिरी बार बालकनी में आए और मुस्कुराते चेहरे से अपने फैंस का हाथ हिलाकर शुक्रिया अदा किया। ऐसा लग रहा था जैसे काका जान चुके थे कि ये उनके चाहने वालों से उनकी आखिरी मुलाकात है। 21 जून 2012 ये वो दिन था जब अस्पताल से लौटने के बाद राजेश खन्ना बंगले की बालकनी पर नजर आए थे। बंगले के बाहर उनके दीवानों का हुजूम जमा था। काका ने हाथ उठाया और विक्ट्री का साइन बनाया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और फिर बंगले में चले गए, जिसके बाद वो बाहर निकल कर नहीं आए। ये फैंस को काका की आखिरी झलक थी। इससे कुछ ही दिनों पहले राजेश खन्ना पर्दे पर नजर आए थे। ये पर्दा टीवी का था। काला कोट सफेद शर्ट पहने काका एड की शूटिंग कर रहे थे। ये एड आर बालकी ने शूट किया था और एड में काका बेचैनी से फैंस को तलाश रहे थे। बाबू मोशाय, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये काका की आखिरी आवाज थी, फैंस के लिए आनंद का आखिरी संदेश। दिलों में आ तो गया, लेकिन आने के बाद वो खूबसूरत कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का मौका, ये सहरा तो आपके सर है कि आप हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया। किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ में नहीं आता। प्यार आप मुझे भेजते रहे। निधन के बाद जब राजेश खन्ना के चौथे की खामोशी को चीरते हुए ये आवाज गूंजी तो सबकी आंखों से आंसू छलक पड़े। पहले से रिकॉर्ड की गई इस आवाज में काका ने अपनी कामयाबी के लिए फैंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया था। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर, आपका ये प्यार था जो आप यहाँ मौजूद हुए और इतनी भारी संख्या में, तो मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू और मेरा बहुत बहुत सलाम। काका को गुजरे 2 साल हो गए, लेकिन ये आखिरी लम्हे सालों साल फैंस के दिल में जिंदा रहेंगे।